चलिए। प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हमारी तत्व चर्चा चल रही है, जो गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित है, जिसमें अनेक अनेक तत्वों का अनेक अनेक द्रव्यों के माध्यम से बहुत सारा विस्तार किया गया है। उसी विस्तार को हम निमित उपादान की चर्चा से समझ रहे हैं, जो अभी वर्तमान में हमारी चर्चा चल रही है। कर्म कारण कार्य मीमांसा, जैसे कि एक कर्म मीमांसा है तो एक कारण कार्य मीमांसा है, उसी में निमित उपादान जैसे महान सिद्धांत को हम समझ रहे हैं। उसी सिद्धांत के अंतर्गत कल हमने उपादान की परिभाषा देखी थी कि उपादान वास्तव में होता क्या है, उपादान किसे कहते हैं, कितने प्रकार का उपादान होता है, वास्तव में कार्य किससे होता है। तो इन सब का विस्तार हमने कल की कक्षा में देखा था। संक्षेप में कहूं तो हमने उपादान दो प्रकार के देखे थे, एक होता है त्रिकाली उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान क्या है? द्रव्य का जो परिणमन है, द्रव्य का जो स्वतंत्र परिणमन, जो स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रिकाली उपादान के नाम से जाना जाता है। और क्षणिक उपादान दो हो गए, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, एक क्षणिक उपादान नंबर एक, और योग्यता, जो हम योग्यता कहते हैं, तत्समय की योग्यता, कार्य को होने का जो नियामक कारण है वो योग्यता, उसको क्षणिक उपादान नंबर दो के माध्यम से हमने जाना था। मतलब कि हमने कल उपादान की परिभाषा देखी थी, उपादान किसे कहते हैं। कल एक बात शायद बात में छूट गई थी, उस बात को भी हम देख लेते हैं कि वो क्या बात थी। क्षणिक उपादान नंबर एक और क्षणिक उपादान नंबर दो, इतना तो आप सब लोग समझ पा रहे हैं ना कि क्षणिक उपादान नंबर एक क्या है और क्षणिक उपादान नंबर दो क्या है, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। जैसे संक्षेप में क्षणिक उपादान नंबर एक माने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, वो क्षणिक उपादान नंबर एक, और तत्समय की योग्यता, ये क्षणिक उपादान नंबर दो। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, क्षणिक उपादान नंबर एक में और क्षणिक उपादान नंबर दो में क्या अंतर है। क्षणिक उपादान नंबर एक में तो क्या कह रहे हैं कि कार्य से एक समय पहले, जो एक समय की जो पहले की पर्याय है वो कारण है, और जो पर्याय का व्यय होके अगली पर्याय आती है वो कार्य है। मतलब कि पिछली वाली पर्याय कारण और अगली वाली पर्याय उसका कार्य। लेकिन तत्समय की योग्यता में कह रहे हैं कि तत्समय की योग्यता में पिछली वाली पर्याय कारण नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जो पर्याय आई है वे अपने में ही कारण है और वो ही कार्य है। मतलब कुछ बात समझ में आई, वही कार्य है और वही कारण है। मतलब कि उसमें पूर्व की पर्याय की अपेक्षा भी नहीं रखी, जो पर्याय आई है वो स्वतंत्र रूप से आई है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी बन मतलब प्रधानमंत्री बने, मोदी प्रधानमंत्री बने तो कैसे बने? मनमोहन सिंह गए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, भैया मैं अपनी योग्यता से प्रधानमंत्री बनाऊं। मनमोहन सिंह गए हैं तो वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी खुद की अपनी सत्ता है, मैं अपने से उत्पन्न हुआ हूं। अरे जब जिसको आना होता है तो पहले वाली पर्याय चली जाती है। मोदी को आना था तो पहले वाली मनमोहन सिंह जी को जाना निश्चित था, मतलब पूर्व की पर्याय जाएगी तो अगली पर्याय आएगी, क्षणिक उपादान नंबर एक।
लेकिन वो पर्याय अपनी खुद की योग्यता से आई है, उसको किसी का कारण नहीं है, वो अपने से ही उत्पन्न हुई है और खुद ही वो कार्य है और वो खुद ही कारण है। तो ये हो गया क्षणिक उपादान नंबर दो। इन दोनों में अंतर, आपको अंतर समझ में आ गया इसका? चलिए, कुछ कुछ समझ में भी ना आए, कम से कम थोड़ा थोड़ा हाँ या ना कर दिया करो, थोड़ा सा इशारा कर दोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बात आगे बढ़ाते जाएं और कोई मतलब नहीं है। दोनों में अंतर है, और त्रिकाली उपादान में और क्षणिक उपादान में अंतर है। त्रिकाली उपादान में तो त्रिकाली शक्ति विद्यमान ही है, लेकिन जो भी कार्य होता है वो कार्य हम बेस मतलब कि कारण, मुख्य कारण किसको कहेंगे? उस त्रिकाली उपादान को, उस त्रिकाली उपादान के माध्यम से जो क्षणिक उपादान है उसको हम मुख्य कारण यहाँ पे कहेंगे। मुख्य कारण कह रहे हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, त्रिकाली भी कारण ही है, लेकिन मुख्य कारण हम इधर क्षणिक उपादान नंबर दो को कह रहे हैं, तत्समय की योग्यता। वो तत्समय की योग्यता ही कारण उसका बनता है। चलिए अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे में क्या विषय वस्तु देखेंगे? अभी तक हमने उपादान, क्षणिक उपादान नंबर दो की परिभाषा में एक शब्द देखा था, योग्यता। सबको याद होगा, शब्द था, परिभाषा थी तत्समय की पर्याय की योग्यता। उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है, तत्समय की योग्यता। अब योग्यता शब्द आया है, अब हमें योग्यता शब्द को समझना पड़ेगा कि योग्यता शब्द का मतलब क्या है, योग्यता शब्द का मतलब क्या होता है। इसी को समझाने के लिए अगला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। आप पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। पेज नंबर 30 में 140 नंबर का प्रश्न कि योग्यता किसे कहते हैं, योग्यता किसे कहते हैं, इतना सा प्रश्न है। उत्तर पढ़ते हैं क्या लिखा है। योग्यतेव विषय प्रति नियम कारणान कारणम इति, कि योग्यता एव विषय प्रति नियम कारणम इति, ऐसा यहाँ पे वाक्य दिया। ये वाक्य कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है, सब समझेंगे। पहले इसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं क्या है। अर्थ दिया कि अर्थात योग्यता ही विषय का प्रति नियामक कारण है। योग्यता ही विषय का प्रति नियामक कारण है, अर्थात जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई वास्तविक कारण है, नियामक कारण। नियामक मतलब वास्तव में जो कारण है वो क्या है, उसे कहा जा रहा है योग्यता। इसी को दूसरे शब्दों में कहा सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लायकात, ताकत, ये सब योग्यता के ही पर्यायवाची शब्द हैं, और योग्यता ही प्रति नियामक कारण होती है। जैसे कि ये सूत्र कहाँ से उद्धृत हुआ कि योग्यता एव विषय प्रति नियतम योग्यता एव विषय प्रति नियम कारणम इति, ये कहाँ से आया? ये आया है न्याय दीपिका से। न्याय दीपिका एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा रचित है, अभिनव धर्मभूषण जी द्वारा रचित है। नीचे कोटेशन में दे रखा है, फुटनोट में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, न्याय का ये ग्रंथ है। और इस ये ग्रंथ भी वास्तव में टीकात्मक ग्रंथ है। ये कहाँ से आया है? ये आया है परीक्षा मुख, एक नाम का ग्रंथ है परीक्षा मुख। उस ग्रंथ में एक सूत्र दिया, क्योंकि सूत्रात्मक पूरा ग्रंथ है, उसमें सूत्र दिया स्वावरण योग्यता लक्षण ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, कि कोई भी पदार्थ हमें जानने में आता है, मतलब आप जितने भी पदार्थ देख पाते हैं तो उसका वास्तविक कारण क्या है, क्या वास्तविक कारण वो लाइट है, कि लाइट जल रही होती है तो हमें कोई पदार्थ दिखता है, कोई दीपक जल रहा होगा तो ही हमें वो पदार्थ दिख पाएगा, नहीं। कोई भी ज्ञान का विषय बनता है तो उसका वास्तविक कारण है स्वावरण लक्षण योग्यता ही, कि अगर उस वस्तु का आवरण ज्ञान से हटा होगा तो ही हमें वो वस्तु जानने में आएगी, अगर उस वस्तु का हमारे ज्ञान से आवरण नहीं हटेगा तो वस्तु हमारे जानने में नहीं आएगी। हमारे सामने पदार्थ उपस्थित होगा जो हम ढूंढना चाहते हैं, वो वस्तु टेबल पे रखी है लेकिन नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उस वस्तु संबंधी ज्ञान पे आवरण डला हुआ है, आंखें खुली हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ज्ञान पर आवरण है तो आंखों के सामने चीज रखी हुई दिखाई नहीं देती। स्वावरण योग्यता ही लक्षण प्रति नियतम अर्थम व्यवस्थापयति, मतलब कि ज्ञान का विषय कोई भी बनता है तो वो ज्ञान का विषय, वो गेज जो आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, अगर उस ज्ञान के विषय का आवरण हटा होगा तो ही बनेगा। और वो आवरण भी किस चीज पे निश्चित है, उसकी टीका में अभिनव धर्मभूषण जी ने लिखा कि योग्यता एव, कि
योग्यता ही निर्भर करती है कि उसका आवरण हटा होगा या नहीं हटा होगा। मतलब कर्मों का आवरण तो उसके ऊपर है, लेकिन कर्मों के आवरण के बाद भी वो पदार्थ जानने में आ रहा है तो वो अपनी योग्यता से जानने में आ रहा है, हम उसको स्पेशल रूप से कि बुद्धिपूर्वक हम जान रहे हैं ऐसा नहीं है। मतलब जो काम होते हैं सब योग्यता से होते हैं। कल एक बात और कही थी कि जब तत्समय की योग्यता की बात करते हैं उस समय हेतु नहीं होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब कि हमें इस समय में यही पदार्थ जानने में क्यों आया, इस समय में मैंने यही क्यों जाना, इस समय में ऐसा ही कार्य क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत बढ़िया एक छक्का मारा या चौका मारा या सेंचुरी मारी, उसने सेंचुरी क्यों मारी, उसने ऐसा ही क्यों किया, उसने बैट को ऐसे ही क्यों घुमाया, ऐसे ही क्यों घुमाया। अब इसका क्या प्रश्न है, ऐसे घुमाना था तो ऐसा घूमा, ऐसा नहीं घुमाना होता तो ऐसा नहीं घूमता। मतलब कि हम गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी से हम ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, ऐसा रास्ता है तो ऐसा जा रहे हैं। कुछ प्रश्न का उत्तर अहेतुक होते हैं, मतलब उनमें हम हेतु नहीं कर सकते, उसमें रीजनिंग नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों हुआ। दूध पानी शीतल ही क्यों होता है, अग्नि गर्म ही क्यों होती है, कोई प्रश्न नहीं है। मतलब प्रश्न होगा भी तो इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, अग्नि गर्म होती है, तुम्हें यकीन नहीं है तो छू के देख लो, एक बार जल के देख लो तुम्हें पता लग जाएगा। अब कोई अग्नि गर्म होती है इसको सिद्ध करो, भैया जो चीजें स्वयं सिद्ध होती हैं उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ये तो न्याय के ग्रंथों में दोष है, मतलब कि जो चीज पहले से सिद्ध है उसको हम सिद्ध कर रहे हैं। पानी शीतल होता है हम नहीं मानते, सिद्ध करके बताओ भैया, छू के देख लो ना। आग गर्म होती है, एक बार छू के देख लो पता लग जाएगा अग्नि गर्म होती है। मतलब कि चीजें अहेतुक है। ऐसे योग्यता जो होती है, योग्यता में प्रश्न उपस्थित नहीं होते कि ऐसा ही क्यों हुआ, हो गया तो हो गया। इसे ही हम कह रहे हैं, यही किसी भी कार्य में प्रतिनियामक कारण है, कि मतलब वास्तविक कारण ये ही है, योग्यता ही है, लेकिन अन्य लोग इसको कारण नहीं बताते हैं। अन्य लोग किसी ना किसी निमित्त की अपेक्षा कारण बताते हैं कि इसने ये काम किया, उसने वो काम किया, हम बीमार हो गए तो इस दवाई को खा के हम सही हो गए हैं। निमित्तों को कर्ता बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्ता कौन है, वास्तविक कर्ता कौन है, वास्तविक कर्ता उसकी योग्यता है। उस समय ऐसा काम होना था तो उस समय ऐसा काम हो गया, नहीं होना होता तो नहीं होता। मतलब कि कई बार तो ऐसे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं कि हमने मारीची के जीव को देख रखा है, कि मारीची के जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ जब वो मारीची की पर्याय में था। क्यों नहीं हुआ, घर में सब कुछ है, घर में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट निमित्त, तो अभी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी निमित्त की हम समझाएंगे, मतलब जगत में उनके पास परिवार में उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना बढ़िया है, लेकिन योग्यता नहीं थी तो समझ में नहीं आया क्या कमी थी। दादा उनके कौन थे, दादा ऋषभ देव जिनका तीर्थंकर का उनका समोशरण लगा हुआ है, और बात करूं तो चक्रवर्ती के बेटे थे, और बात करूं चाचा जी कामदेव थे, प्रतिम कुलकर थे, एक चाचा मोक्षगामी थे, दूसरे चाचा प्रथम गणधर थे, 923 भाई मतलब कि उसी भव से मोक्षगामी थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। उनकी बुआएं जो भ्रामरी और सुंदरी प्रथम आरिकाएं थी। अब बताइए, घर में इतने सारे लोग होते हुए भी उपदेश हर जगह से मिल रहा है, लेकिन योग्यता नहीं थी तो कल्याण नहीं हुआ। और कल्याण कहाँ हुआ, कल्याण हुआ जब दो मुनिराज उतर के आए और उन्होंने शेर की पर्याय में उसको समझाया। अब बताइए काम कैसे होता है, काम जरूरी नहीं है कि उन मुनिराजों ने किया था, काम तो वास्तव में उस समय की योग्यता इतने वर्षों बाद आनी थी तो इतने वर्षों बाद ही काम होगा, उससे पहले काम नहीं हो सकता। मतलब हम कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें तरक्की नहीं मिलती है, हम इतनी मेहनत लगन करते हैं, पूरे दिन भर 24 घंटे मेहनत करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हमें प्रमोशन नहीं मिलता, हमें तरक्की नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, भैया उस काम की अभी ऐसी योग्यता नहीं है। जब तरक्की मिलनी होगी तभी तरक्की मिलेगी, उससे पहले तरक्की मिलने वाली नहीं है, क्योंकि योग्यता जब आएगी तभी काम हो पाएगा। और योग्यता ही किसी भी कार्य के पीछे का वास्तविक नियामक कारण है, इतना सा यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। और जैसे ही हम उपादान को समझ जाते हैं, नियामक कारण को पहचान जाते हैं, तब से ही हम दूसरों पे जो दोष देते हैं ना कि इसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया,
आपको पता है मैं फर्स्ट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उसने कुछ काम बेकार दिया था। मैं बिजनेस में क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, सामने वाले ने दुकान सेम टू सेम मेरी जैसी खोल ली थी। मतलब कि अनेक हम कारण बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक कारण तो ये था उस समय की योग्यता ऐसी थी कि उस समय ऐसा काम नहीं होना था तो ऐसा काम नहीं होगा। अब कोई भी आ जाए, चाहे इंद्र आ जाए, चाहे जिनेंद्र भगवान नीचे आ जाए, तब भी योग्यता पूर्वक ही काम होता है, बिना योग्यता के काम नहीं हो सकता। इतनी हमने यहाँ पे बात की। बढ़ते हैं हम अपने अगले विषय पे। कारण कितने प्रकार के बताए थे? कारण दो प्रकार के बताए थे, एक था उपादान कारण और एक था निमित्त कारण। अब हम समझने वाले हैं निमित्त कारण को। किसे? निमित्त कारण को, जिसको हम हमेशा उपेक्षा भाव से देखते हैं। हम हमेशा निमित्त का तिरस्कार कर देते हैं कि निमित्त तो बहुत बुरा होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता, ये होता है, वो होता है। मतलब कि निमित्त को कुछ कारण समझते ही नहीं है। लेकिन कारणों के भेद में अगर उपादान कारण है तो निमित्त भी कारण है। आचार्यों ने निमित्त को कारण भी बताया है। मतलब कि अगर हम चार अनियोगों में से तीन अनियोग देखें तो तीन अनियोग निमित्त प्रधान शैली पे लिखे गए हैं। तीन अनियोग निमित्त प्रधान शैली पे लिखे गए हैं। एक अनियोग है जो कहें कि हम उपादानगत योग्यता पे लिखा गया है, और उसमें भी कुछ अंश उपादानगत योग्यता को बताते हैं। मतलब कि जिस निमित्त का हम इतना तिरस्कार करते हैं, आज हम उस निमित्त का सम्मान करना सीखेंगे कि निमित्त भी बहुत बड़ी चीज अपने में होती है, निमित्त तिरस्कार करने योग्य नहीं है। बात क्या होती है, कई लोग निमित्त को कर्ता मानते हैं। क्या लोग कहते हैं कि निमित्त कर्ता होता है, निमित्त से कार्य होता है, हमारे में तो त्रिकाली उपादान है। लेकिन कार्य तो जब ही होगा, आपको छाइक सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब आप उनके पादमूल में जाओगे। जब आपको तीर्थंकर की पादमूल मिलेगी तभी आपको सम्यक दर्शन, छाइक सम्यक दर्शन हो सकता है, उससे पहले सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वे लोग कहते हैं लो त्रिकाली उपादान तो था, लेकिन देखो वो चीज नहीं मिली ना, तीर्थंकर का पादमूल नहीं मिला तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। देखो गणधर, गणधर के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। देख लो गणधर ही दिव्य ध्वनि खिराते हैं, वे नहीं होते तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। मतलब कि लोग निमित्त को कारण बताते हैं कि निमित्त ही वास्तविक कारण है, निमित्त से ही कार्य होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे निमित्त कारण तो है, निमित्त को कर्ता कहा भी जाता है, लेकिन निमित्त वास्तव में कर्ता है नहीं। मतलब बोल चाल की भाषा में हम निमित्त को कर्ता कहते हैं, लेकिन अगर हमने निमित्त को मान्यता में कर्ता मान लिया तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। जैसे कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, क्या हमारे आचार्यों ने व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा है? लेकिन अगर व्यवहार मोक्ष मार्ग को ही सच्चा मोक्ष मार्ग मान लेंगे तो हमारा मिथ्यात्व हो जाएगा। मतलब कथन पद्धति अलग है, श्रद्धान की पद्धति अलग है। श्रद्धान की अलग बातें होती हैं, बोलने की अलग बातें होती हैं। अब कोई कहे भैया जो श्रद्धान करते हैं वही तो बोलेंगे, लेकिन ऐसे काम नहीं चल सकता। बाई रोटी बनाती है तो बाई से ही रोटी मांगनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि रोटी खुद बन जाओ और मेरे पास आ जाओ कि मम्मी आप रोटी नहीं बनाती हो, रोटी तो आटे से बनती है, जल्दी से जो भी परिणमन करना करो और रोटी मेरे पास आ जाएगी खुद। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब घड़ा लेने जाना है तो कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। ये नहीं कि मिट्टी यहाँ पे रखिए, मिट्टी जैसे शकल अका बुम बुम में एक चीज थी ना, उसके पेंसिल थी, शकल अका बुम बुम में कुछ भी चीज पेपर पे बनाता था और वो चीज आ जाती थी। ऐसी सामने मिट्टी रखी है, मिट्टी जल्दी से घड़े रूप परिणमित कर जाओ और मिट्टी एकदम मैजिक से वो घड़े रूप परिणमित हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब कि घड़ा लेने जाना है तो कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आप बीमार पड़े हैं तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। आपको पता है कि डॉक्टर से सही नहीं होते हैं, लेकिन निमित्त की अपेक्षा तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, उसकी दवाई भी खानी पड़ेगी। उसकी दवाई को खा के हम समझते हैं कि ठीक हो जाएंगे, निमित है लेकिन उससे कार्य नहीं हुआ। जितनी भी सब चीजें हैं इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो हमारी सारी जितनी भी पहलू हैं निमित के सब धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे। आइए पढ़ते हैं 141 नंबर का प्रश्न। कौन सा प्रश्न? 141 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है निमित कारण किसे कहते हैं? क्या निमित कारण किसे कहते हैं? पहले तो हम ये अपने श्रद्धान से निकाल दें कि निमित कोई वस्तु होती है, निमित कोई पर्टिकुलर वस्तु का नाम नहीं है। परिभाषा देखेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। सीधा परिभाषा पढ़ते हैं। उत्तर, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके
उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं, जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि। कुछ समझ में आया? इसकी एक एक पहलू में इतना मर्म भरा हुआ है निमित्त की परिभाषा में, जैसे कि इस निमित्त को परिभाषा को जिसने समझ लिया वास्तव में उसको भेद विज्ञान हो जाएगा, वो अपना कल्याण करके मोक्ष मार्ग ही हो जाएगा। इसीलिए इस परिभाषा के एक एक पहलू को बहुत आराम से समझेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। क्या कह रहे हैं, शुरुआत से चालू करते हैं। जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप ना परिणमे, अभी तक उपादान की परिभाषा में क्या था, जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है उसे उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त में क्या कह रहे हैं, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, और शब्द दिया जो पदार्थ। जो पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ का मतलब क्या, मतलब कि कोई भी पदार्थ निमित्त नहीं होता, मतलब कि छह द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये निमित्त नहीं है। निमित्त कौन है, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता है। मतलब कोई पर्टिकुलर पदार्थ निमित्त नहीं होता है, जिस समय कार्य की उत्पत्ति हो रही होती है उस समय जो पदार्थ वहां पे उपस्थित होते हैं उनके माथे पे तिलक लग जाता है निमित्त का। क्या लग जाता है, उनके माथे पे एक तिलक लग जाता है निमित्त का कि उस समय उस कार्य की उत्पत्ति में ये उस समय वहां पे मौजूद थे, इसलिए ये उसमें निमित्त हैं, उन्होंने कार्य नहीं किया। मतलब कि जैसे कि देव शास्त्र गुरु ये सम्यक दर्शन में निमित्त हैं। एक वाक्य हमने कहा कि देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त हैं। अब क्या सारे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त हैं? नहीं, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना पर, मतलब स्पेशल पदार्थ की बात चल रही है, स्पेशल पदार्थ, और सारे मतलब सारे जीव द्रव्यों को सम्यक दर्शन नहीं हो जाता सारे, क्योंकि अगर देवशास्त्र गुरु को देख के सबको सम्यक दर्शन हो रहा होता तो सब सारे सम्यक दृष्टि हो जाते, लेकिन देवशास्त्र गुरु को देख के सम्यक दर्शन सबको नहीं उत्पन्न होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जिस समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी उस समय देवशास्त्र गुरु पे आरोप आएगा। क्या आरोप आएगा, कि ये सम्यक दर्शन करने में निमित्त बनते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है, हम सामान्य कथन में तो करते हैं कि देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त है, कि सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन में निमित्त है, लेकिन कब निमित्त है, जब आप सम्यक दर्शन करोगे तब निमित्त है। मतलब कि जब कार्य की उत्पत्ति होगी तब ही निमित्त निमित्त की संज्ञा पाता है। अभी हमने वाक्य का प्रयोग किया कि मारीची के पास किस चीज की कमी थी, उनके पास उत्कृष्ट निमित्त थे। वाक्य का प्रयोग क्या किया, मारीची के जीव के पास उत्कृष्ट निमित्त थे, घर में दादा थे, बुआएं थी, इतने सारे भाई थे, चक्रवर्ती पिताजी थे, सब थे, इतने सारे निमित्त थे, वास्तव में निमित्त नहीं थे वो। निमित्त निमित्त तभी होते हैं जब कार्य की उत्पत्ति होती है, तब निमित्त पे निमित्त का आरोप आता है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, निमित्त कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं होती है, जब कार्य हो रहा होता है तब एक तिलक लग जाता है, हाँ भैया ये उपस्थित थे। जिस समय आप सम्यक दर्शन करोगे ना उस समय देवशास्त्र गुरु पे आरोप आएगा कि हाँ ये है आपके सम्यक दर्शन में निमित्त, अन्यथा उन पे आरोप नहीं आ सकता। समोशरण में जाके सब जीवों का कल्याण हो जाता है, समोशरण के माध्यम से सब जीवों को वाणी मतलब कि मोक्ष मार्ग मिल जाता है। लेकिन बहुत उपचार का कथन है भैया, क्या किसका कथन है, उपचार का कथन। समोशरण में जाके सबका कल्याण नहीं होता, जिसका कल्याण होता है उसके लिए समोशरण निमित्त है, लेकिन जिसके लिए कल्याण नहीं हुआ, बहुत सारे जीव खाली हाथ लौट आते हैं, उनके लिए समोशरण निमित्त नहीं बनता है। मतलब स्थूल वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 40 बच्चे एक कक्षा में, 40 बच्चे, टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रही है और 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर ने बहुत बढ़िया बच्चों को चीज पढ़ाई, आधे बच्चों को समझ में आई और आधे बच्चों को समझ में नहीं आई। जिन एक पद्धति चलती है कि जिन जिन बच्चों को समझ में आ जाता है ना, बाद में क्लास का पीरियड खत्म होने के बाद वो टीचर के पास जाते हैं, टीचर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया मुझे समझ में आ गया है। मतलब जिन बच्चों को समझ में आया है वो टीचर के पास जाके कहते हैं, टीचर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो मुझे समझ में आ गया है। और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी 20 हैं, टीचर ने तो उनको भी पढ़ाया था लेकिन उनको समझ में नहीं आया, अगर समझ में आता तो वो भी बाद में आते, टीचर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। मतलब कि उस समय उपस्थित तो होंगे लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त तो मात्र उपस्थित होता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं कहना चाह रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं।
जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं करते, वो टीचर अगर सबको पढ़ाने में सबको पढ़ाती होती तो सबको एक जैसा पढ़ाती, लेकिन टीचर सबको एक जैसा नहीं पढ़ाती, मतलब पढ़ा अपनी तरफ से तो सबको एक जैसा पढ़ाती है, लेकिन सबको अपनी योग्यता से समझ में आ पाता है। जैसे मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूँ, अब आपको जितने सुन रहे हैं लोग सबको अपनी अपनी योग्यता से समझ में आ रहा है। मैं तो सबको एक जैसा ही बोल रहा हूँ, सबके लिए एक जैसा दिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। ये नहीं कि किसी के कान में जाके कुछ विशेष बात समझाता हूँ, सबके लिए एक जैसा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी योग्यता है समझने की। अब क्या है, जिनको समझ में आया है, पॉइंट देखिए, निमित्त का आरोप देखिए किस पे आता है, जिन लोगों को समझ में आया है उन लोगों के लिए मैं समझाने में निमित्त हूं, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उन लोगों के लिए मैं निमित्त भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जिस समय लिखा परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप, दो दो शब्द हैं, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप, अनुकूल मतलब जो उस समय उपस्थित होंगे उन्हीं पे आरोप आएगा, अन्य पे आरोप नहीं आएगा। जैसे कि मैंने किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैंने किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसमें बहुत सारे टीचर थे, तो बहुत सारे टीचर्स में सारे टीचरों ने मुझको नहीं पढ़ाया, किस टीचर ने पढ़ाया है, एक पर्टिकुलर टीचर ने मुझको पढ़ाया है, मतलब बहुत सारे इंजीनियर के टीचर्स थे, उन बहुत सारे टीचर्स पे भी आरोप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब टीचर्स ने मुझे नहीं पढ़ाया है। किसने पढ़ाया है? उन 10 टीचर्स में से एक टीचर ने मुझे पढ़ाया है, एक टीचर ने, उस एक टीचर पे आरोप आएगा कि हाँ इन्होंने मुझे पढ़ाया, इनकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मतलब वो टीचर अनुकूल है। और वास्तव में अनुकूल कब है? जिस समय वो हमें पढ़ाई करा रहे हैं उस समय वो अनुकूल है, जिस समय पढ़ाई नहीं करा रहे हैं उस समय अनुकूल नहीं है। जिस समय टीचर अपने घर पे बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, उस समय वो मेरे निमित्त नहीं है। कुछ बात समझ रहे हैं? जिस समय टीचर मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं, अपने घर पे आराम से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, उस समय वो निमित्त नहीं है मेरे लिए। जिस समय वो पढ़ा रहे हैं उसी समय वो निमित्त बनते हैं मुझे पढ़ाने में, मतलब जब जब कार्य की उत्पत्ति होती है तब तब निमित्त वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। क्या कहा, वाक्य थोड़ा बदल गया, धीरे धीरे पॉइंट थोड़ा थोड़ा ट्रैक हमारा बदलता जाएगा, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए उपयोग को पूरा केंद्रित करके, कि मतलब कि कार्य की उत्पत्ति होती है तो निमित्त वहां पे स्वयमेव उपस्थित हो जाते हैं, हमें निमित्तों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता। सोचिए एक घने जंगल में, इतना भयंकर घना जंगल जहां पे कोई नहीं है, अभी तक मारीची के जीव समो शरण में थे जहां पे सब कुछ था, अब एक घने जंगल में शेर की परियाए में जहां पे कुछ नहीं है, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऊपर से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आएंगे और उनको उपदेश देंगे? अब बताइए, मतलब कि बात क्या है, बात ये है कि जब अपने में उपादानगत योग्यता होती है तो निमित्त तो आसमान से भी आ जाते हैं। क्या कहा, जब अपने में उपादानगत योग्यता होती है तो निमित्त आसमान से भी उतर जाते हैं, निमित्तों को इकट्ठा नहीं करना पड़ता। मतलब इससे एक पॉइंट निकला कि उपादानगत योग्यता होती है जब कार्य की उत्पत्ति होती है, उसके बाद किसी वस्तु पे आरोप आता है। जब भी किसी ने, एग्जाम्पल लीजिए, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और बाद में जब आरोपी को ढूंढा जाता है तो बाद में आरोप लगाया जाता है, पहले आरोप नहीं, पहले तो काम हो गया। ऐसे ही कार्य की उत्पत्ति हो गई, अब ढूंढा जा रहा है इस कार्य को किसने किया किसने किया किसने किया, अच्छा यहाँ पे 2 मुनिराज खड़े थे, इन्होंने इनको उपदेश दिया तो ये निमित्त बन गए। बाई रोटी को बना रही थी, रोटी तो अपने निमित्त से बन रही थी, अपनी उपादानगत योग्यता से रोटी सिक रही थी, लेकिन हमने देखा कौन है कारण, कौन है कारण, ढूंढा 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 तो क्या मिला, उस रोटी के सामने बाई खड़ी थी और बाई सेक रही थी, तो हमने कह दिया कि उस बाई के माथे पे तिलक लगा दिया एक निमित्त का, कि ये निमित्त है। कार्य जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होती, कभी भी बाई रोटी बनाते हुए रोटी नहीं हो जाती है, कभी देखी है, हंसी आती है कभी कभार, मतलब कि बाई रोटी बनाते बनाते रोटी बन गई, अब हम ढूंढ रहे हैं बाई कहाँ चली गई, अभी तो बाई यहीं पे थी। कुम्हार घड़ा बना रहा है, अरे अभी तो कुम्हार यहीं पे था, कहाँ चला गया, कुम्हार उस रूप हो गया, कभी ऐसा नहीं होता, मतलब कि जब जब घड़ा बनता है तब तब कुम्हार पे आरोप आता है। कब कब आरोप आता है, ध्यान रखिए,
जब जब घड़ा बनता है तब तब आरोप आता है, जब जब घड़ा नहीं बनता तब तब कुम्हार पे आरोप नहीं आता। जिस समय वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ बैठा है उस समय वो घड़ा नहीं बना रहा, उस समय उस पर घड़े बनाने का आरोप भी नहीं आता कि ये घड़े को बनाता है। लिखा, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, खुद कार्य रूप परिणमत नहीं करते, मतलब खुद को खुद कार्य नहीं करते हैं, उस समय मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि हाँ भैया हम उस समय पे उपस्थित थे, हमने अपनी आंखों से देखा था कि हाँ बाई रोटी बना रही थी, बाई ने देखा कि मैं रोटी बना रही हूँ, उस समय उपस्थित है, लेकिन बाई रोटी को बनाती नहीं है। एक बहुत बढ़िया प्रकरण आया, कहाँ पे आया, जैन तत्व मीमांसा। जैन तत्व मीमांसा एक पुस्तक है, उस किताब में निमित्त उपादान के ऊपर विस्तृत चर्चा की, बहुत बढ़िया बात कही कि पुराने जमाने में दीपक चलते थे, दीपक लोग पढ़ाई किया करते थे तो दीपक में, पहले तो लाइट ऐसे नहीं हुआ करती थी तो स्ट्रीट लाइट्स में जाके भी लोग पढ़ाई करते थे, जिनको पढ़ाई की ललक थी वो कहीं पे भी जाके पढ़ाई करते हैं, छोटी सी लाइट आ रही होगी वहां पे भी पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति दीपक की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है, दीपक की रोशनी में अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इतनी सारी लाइटें जल रही हैं तो हमारा हो रहा है, अब बताइए दीपक पे आरोप तो आया है कि दीपक से हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दीपक से वास्तव में हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे कमरे में 40 लोग बैठे हैं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बैठे तो 4-5 ही हैं अभी, हमारे कमरे में 40 लोग बैठे हैं, लाइट जल रही है लेकिन सब एक जैसा नहीं पढ़ रहे हैं, और कहने में क्या आता है, लाइट से हम पढ़ते हैं, मम्मी लाइट जला दो बहुत कमरे में अंधेरा हो रहा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मम्मी ने लाइट जला दी, बहुत सारे 3-4 बच्चे बैठे थे लेकिन सब एक जैसा नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर हम कहें कि लाइट से पढ़ाई होती है तो फिर लाइट से पढ़ाई ही होनी चाहिए, कुछ और कार्य नहीं हो सकता उससे, समझी बात आप, पॉइंट को समझने वाली बात है, मतलब कि अगर लाइट से पढ़ाई होती तो लाइट से बस पढ़ाई ही हो सकती थी, अब लाइट में हम खाना नहीं बना सकते, अब लाइट में हम कोई और कार्य नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने तो एक वस्तु को अपॉइंट कर दिया कि लाइट से बस पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि निमित्त खुद कुछ कार्य नहीं करता, निमित्त कोई वस्तु नहीं है, निमित्त तो उस पे आरोप आ जाता है, जिस समय काम हो रहा होता है उस समय आरोप आ जाता है। हम बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्लास में फर्स्ट आए, अब क्लास में फर्स्ट आ गए सब बहुत सारे अभिनंदन दे रहे हैं कि भैया तुम बहुत बढ़िया पढ़े, तुम बहुत बढ़िया पढ़े, तुम बहुत फर्स्ट आए, तुम्हारा नाम मेरिट में आ चुका है, अब हम कारणों को ढूंढेंगे। अब जो भी लोग हमसे मिलने आते हैं क्या पूछते हैं, भैया आपने किससे पढ़ा था, कौन आपको पढ़ाने वाला था, किस स्कूल में पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, किस इंस्टीट्यूशन में जाते थे, अब ये क्या है, बाद में हम आरोप लगाएंगे, क्या पढ़े हम अपनी योग्यता से, लेकिन आरोप क्या कि मैं इस इंस्टीट्यूशन जाता था, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप भी इससे पढ़ो, मैं ऐसे ऐसे पढ़ता था, अब बाद में निमित्त जो व्यक्ति जो पदार्थ खुद परिणमित नहीं हो रहा लेकिन उस समय उपस्थित है उस पे आरोप आता है कि हाँ अब ये इस समय में उपस्थित था तो इस पे हम कार्य की अनुकूल होने का आरोप उस पे दर्ज कर रहे हैं। देखिए अनुकूल होना चीज बहुत जरूरी है, मतलब कि एक दवाई हमारे पास, एक दवाई हमने खा ली है, हमारे सिर दर्द बहुत तेज हो रहा था तो एक बहुत बढ़िया क्रोसिन का टीवी में नया एड आया, बिल्कुल क्रोसिन नए पैक में आ चुकी है, उस क्रोसिन को लेके मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। एक क्रोसिन मेरी अलमारी में रखी हुई है, एक क्रोसिन उस मेडिकॉस पे है, केमिस्ट के पास है, एक वही क्रोसिन होलसेलर के पास है, एक रिटेलर के पास है, एक कंपनी के पास है, अब बताओ आरोप किस पे आएगा, मैं तो क्रोसिन से सही होता हूं, क्रोसिन खाने से सिर दर्द भाग जाता है, तो कौन सी क्रोसिन खाने से सिर दर्द भाग जाता है, जो क्रोसिन अलमारी में रखी है उसको, उससे आपका सिर दर्द भागता है कि हम उस क्रोसिन के दर्शन कर लेंगे और हमारा सिर दर्द भाग जाएगा, या जो डॉक्टर के पास रखी है, या जो डॉक्टर ने पर्चे पे लिखी है, जो केमिस्ट पे है, उन पे आरोप नहीं आता, मतलब कि आरोप भी किस पे आता है, जो अनुकूल होते हैं, एक एक शब्द पे देख रहे हैं, जो पदार्थ जो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होते हैं, जिस दवाई को खा के हम सही हुए हैं उस दवाई पे आरोप आता है, बाकी दवाइयों पे आरोप भी नहीं आता, दुनिया में इतनी दवाई है लेकिन उन पे आरोप नहीं आएगा, जिस दवाई को खा के हम सही हुए हैं उस दवाई पे आरोप आता है कि हाँ ये, क्योंकि उस पे आरोप तो आ रहा है लेकिन कब आरोप आ रहा है, क्योंकि वो अनुकूल है, उस समय कार्य की उत्पत्ति में प्रेजेंट थी, जिस समय हमारा सिरदर्द ठीक हो रहा था उस समय हमने वो दवाई ली थी, वो परिणमित की थी तो सही हुआ था,
आरोप तो दूसरी दवाई पे भी आ सकता है, लेकिन वो अनुकूल नहीं है क्योंकि वो अलमारी में रखी है। मतलब कि कितनी चीजें अंतर बदल गया। कह रहे हैं जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणाम है, मतलब इतना भाव है, बातें इतनी है, पता नहीं कितनी बता पाऊं। आप इसका ज्यादा से ज्यादा भाव ग्रहण करने का प्रयास करना, जितने से ज्यादा शब्द तो बहुत सीमित है, शब्दों से सारी बातें नहीं कही जा सकती। हम जितना इस पे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतने विचार इसमें से निकल सकते हैं। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, मतलब खुद कार्य रूप परिणमित नहीं होता। फिर क्या कह रहे हैं, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। मतलब कि हम कह रहे हैं कि निमित्त कर्ता नहीं होता, निमित्त वास्तविक कर्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर आरोप लगा है। दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, एक होता है, अभी हमने अनुकूल की बात की, अब आरोप की बात करते हैं। आरोप किस पे आता है? जो पदार्थ में अनुकूल होता है उस पे ही आरोप आता है। जैसे कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बहुत बढ़िया गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने तो किसके पास जाऊं? डॉक्टर के पास जाऊंगा तो गाड़ी मिलेगी क्या? या एक सीए के पास जाऊं तो गाड़ी मिलेगी? या इंजीनियर के पास जाऊं तो गाड़ी मिलेगी? किसके पास गाड़ी मिलेगी? गाड़ी तो भैया गाड़ी वाले के पास ही मिलेगी। जो गाड़ी को बेचते हैं, शोरूम पे जाएंगे, उसी पे तो गाड़ी मिलेगी, और लोगों पे गाड़ी नहीं मिल सकती है। अब हम कहें नहीं नहीं हमें तो गाड़ी सीए से ही चाहिए, हमें तो गाड़ी एक इंजीनियर से ही चाहिए, ये क्या है? अगर गाड़ी चाहिए तो शोरूम पे जाना पड़ेगा। मतलब शोरूम पे आरोप आता है कि शोरूम पे जाएंगे तो गाड़ी मिलेगी, अन्यथा हमें गाड़ी मिलने वाली नहीं है। सीए के पास जाएंगे तो नहीं मिलेगी, मतलब उस पे आरोप आया है। अब यहाँ पे मुझे दो शब्द बताने हैं, एक होता है आरोपी और एक होता है अपराधी। दो छोटे शब्द कर लें इसको, एक होता है आरोप और एक होता है अपराध। क्या कोई इसमें अंतर बता सकता है मुझे, आरोप और अपराध में? आरोप और अपराध में क्या अंतर होते हैं? सामान्य सी बात है, आरोप होता है कि हमें शक के घेरे में है, लेकिन अपराध वही होते हैं कि हाँ पक्का हो गया कि इन्होंने ही करा है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब कि आरोप, कोई और कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता है आरोप और अपराध में अंतर? बहुत बढ़िया, मोक्ष ने तो बता दिया, कुछ लोग डिस्कस करके आंसर बताएंगे। हाँ जी बोलिए सुजाता जी। नहीं सर, यही बोलने वाली थी मैं भी। हाँ जी चलिए, आप रिपीट कर दीजिए एक बार, कुछ नहीं होता, सबको रिवाइज हो जाएगा। आरोप तो शक के दायरे में है, वो डेफिनेट नहीं है, और अपराधी तो डेफिनेटली वो ही किया है ऐसा। मतलब कितनी बढ़िया बात निकली यहाँ पे, मतलब कि इस पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए। क्या पॉइंट निकला? कि आरोप से कोई भी अपराधी सिद्ध नहीं होता है। आरोप मतलब कि अभी शक के दायरे में है, अभी उसका अपराध पक्का नहीं हुआ है। ऐसे ही निमित्त पे मात्र आरोप आता है, और आरोप आने से कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। मतलब कि निमित्त को कर्ता तो कहा जा रहा है, लेकिन अभी शक के घेरे में, अभी उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी वो अपराधी नहीं बना है, अभी अपराध तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब कि शक के दायरे में है, और निमित्त हमेशा शक के दायरे में ही बना रहता है, कभी वो अपराध सिद्ध ही नहीं होने वाला। आप एक बार सब म्यूट कर लीजिए जिनका म्यूट खुला हुआ है। मतलब कि किसी पे भी आरोप आने से कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, निमित्त पे आरोप आता है। मतलब कि निमित्त को कहा तो जाएगा कि निमित्त से कार्य हुआ, निमित्त इसको करता है। जितने शास्त्र पढ़ते हैं सब में यही आएगा कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से सम्यक दर्शन होता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने आपको समझाया, भाषा ऐसी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप है, अपराध नहीं हुआ है। पॉइंट में अंतर है कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। एक बार हम सम्मेश शिखर जी गए, एक बार नहीं वैसे बहुत बार जा चुके उदाहरण में, एक बार हम सम्मेश शिखर जी गए, यात्रा करने गए, और वहां पे हमें सम्यक दर्शन हो गया। उदाहरण में हमें वहां पे जाके सम्यक दर्शन हो गया, तो आरोप क्या आएगा? आरोप आएगा कि सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने पर क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। एक बार में फिर से घटना को अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए, पूरी खोल के रख दीजिए घटना को, एक एक पहलू को देखिए, तो आपको वास्तविक कारण पता लगेगा। मैं एक बार सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने गया और मुझे वहां पे सम्यक दर्शन हो गया। अब ढूंढ रहे हैं कि क्यों हो गया, सम्यक दर्शन कैसे हो गया, कहाँ हो गया, तो आरोप आया
न्यूज़पेपर में खबर छपी कि फला फला व्यक्ति को सम्य शिखर जी जाने पर सम्यक दर्शन हुआ। कैसी खबर छपी? और वास्तव में सम्यक दर्शन कैसे हुआ है? सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से हुआ है, लेकिन आरोप किस पे आया? कि सम्य शिखर जी पे आ गया। एक बहुत बढ़िया भजन है, हम बहुत गाते भी होंगे कि क्यों जाते गिरनार क्यों जाते काशी। मतलब हम क्यों जाते हैं गिरनार, क्यों जाते हैं काशी, मतलब अंतरंग तत्व तो अपने पास ही है, लेकिन आरोप किस पर आता है? आरोप हमेशा अनुकूल पदार्थ पे आता है जो उस समय वहां पे उपस्थित होता है। अगर मुझे सम्यक दर्शन सम्य शिखर जी में हुआ तो कहा जाएगा सम्य शिखर निमित्त बन गया। अगर मुझे सम्यक दर्शन गिरनार में हुआ है तो कहा जाएगा मुझे गिरनार जी में सम्य गिरनार से सम्यक दर्शन होता है। जो एक बार गिरनार की यात्रा कर ले उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। बात पलट गई, अभी सम्मेश शिखर के यात्रा पे हो रहा था और अभी गिरनार की। मतलब कि निमित्त कोई पर्टिकुलर नहीं होते, जिस समय कार्य की उत्पत्ति होती है वहां पे जो जो लोग उपस्थित होते हैं उन सब पे आरोप आ जाता है कि ये निमित्त थे, इनके कारण हुआ। बात कुछ समझ में आ रही है? चलिए, लिखा कि उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं, जैसे घट की उत्पत्ति में कुम्हार, दंड, चक्र आदि। अब बताइए, पूछना चाहता हूं मैं, कुम्हार, दंड, चक्र आदि, चक्र अगर रात्रि काल में रखे हुए हैं तो क्या वे निमित्त हैं घड़े को बनने में? क्या 24 घंटे दंड, चक्र आदि घड़े को बनने में निमित्त बनते हैं? कौन बुद्धिमान जीव इसका उत्तर दे सकता है? सभी बुद्धिमान है, सभी संगी पंचेंद्रिय हैं, तो सबका उत्तर आना चाहिए। 24 घंटे दंड, चक्र आदि रखे हुए हैं, 24 घंटे निमित्त बनते होंगे वो? नहीं भैया, जिस समय कार्य होता है उसी समय निमित्त बनते हैं। जब घड़ा बनता है तभी वो निमित्त होते हैं, उसके बाद वो निमित्त नहीं होते। जब अभी आपने बताया ना, जब कार्य होता है कार्यों का, तभी वो निमित्त बनते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा और इसको थोड़ा और डेवलप करते हैं उदाहरण को। कुम्हार घड़ा बनाने अभी बैठा ही है, अभी अभी बैठा है, कुछ नहीं किया उसने, उस समय चाक और कीली रखी हुई है, क्या उस समय वो निमित्त बनते हैं? उस समय भी नहीं बनते, जब तक वो घड़ा बनाना शुरू नहीं करेगा तब तक नहीं बनेंगे निमित्त। जब कार्य तक नहीं बनेंगे, नहीं, कार्य भी हमारा चालू हो गया, जो कुम्हार था मिट्टी के साथ उसके मिट्टी के ढेले पे काम कर रहा है और साइड में रखी है, साइड में अभी वो चाक दंड रखे हैं, क्या अब वो निमित्त बनते हैं? नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? जब तक भैया घड़ा पूरा बन के तैयार नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारा रिजल्ट आया है, उसका कारण क्या है, तब तक निमित्त नहीं बनेगी। क्योंकि पहले होगा, फिर उसके बाद निमित्त को ढूंढा जाएगा किससे बना, किससे बना, ये तो हमारी बात पक्की हुई। लेकिन इसके अंदर एक और बात बड़ी निकलती है कि जिस समय दंड का प्रयोग किया जाएगा उसी समय दंड निमित्त बनता है, जिस समय दंड का प्रयोग नहीं किया जा रहा। घड़े बनने में 1 घंटा लगता है तो एग्जाम्पल के लिए दंड का प्रयोग 10 मिनट किया तो 10 मिनट के लिए ही वो निमित्त है घड़े को बनाने में। घड़े को बनने में तो 1 घंटा लगा है, लेकिन 1 घंटे उस पे आरोप नहीं आता। कितने देर के लिए आरोप आता है? आरोप तो बस 10 मिनट के लिए आएगा, जितनी देर के लिए कार्य होता है। जितने समय के लिए बाई रोटी बनाती है उतने समय के लिए बाई पे आरोप आता है, वो भी अनुकूल। कभी कभार ऐसा होता है बाई रोटी बनाती है, कभी कभार पुरुष लोगों को, पुरुष वर्ग को इतना काम तो आता नहीं रसोई का, घर में कुछ खाना बनाने का काम तो करते नहीं। लेकिन अगर वे चले गए रसोई में और वे काम करना प्रारंभ कर दिए कि आज हम खाना बनाएंगे, आज महिला वर्ग की छुट्टी, संडे की उनको छुट्टी दे दी, तो अब क्या, अब बाई पे आरोप आएगा क्या? बाई आराम से घर पे लेटी हुई है, आराम कर रही है, उसके पति देव घर पे काम कर रहे हैं, अब उस समय क्या बाई पे आरोप आएगा कि बाई खाना बनाती है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस समय बाई खाना बनाती है उसी समय बाई पे आरोप आता है कि बाई खाना बनाती है। जिस समय वो लेटी है उस समय खाना बनाने का आरोप उस पे नहीं आएगा, जो पति देव रोटी बना रहे हैं उन पे आएगा, और जिस समय बना रहे हैं उस समय आएगा, जो कर रहे हैं उस पे आएगा, जिस समय कर रहे हैं उस समय आएगा, जब तक कर रहे हैं तब तक आएगा, जैसे कर रहे हैं वैसे आएगा। बहुत सारी बातें कह दी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बात बहुत बड़ी है, इसलिए मैं बार बार परिभाषा को फिर से रिपीट कर रहा हूं और भाव देखने का प्रयास करते हैं, कुछ नई बात पता लगती है। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके,
उस पदार्थ को निमित कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि। एक और आपको विशेष बात बताता हूँ, क्योंकि इतनी सारी विशेष पॉइंट्स निकलते जा रहे हैं। आपको पता है अभी तक घड़ा कौन बनाता है? कोई उत्तर दे सकता है? कौन उत्तर दे सकता है कि घड़ा कौन बनाता है? निमित हम पढ़ रहे हैं, निमित की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, तो निमित में घड़ा कौन बनाता है? कौन कौन चतुर व्यक्ति उत्तर दे सकता है? मिट्टी। मिट्टी तो उपादान हो गई, निमित निमित कारण कौन है? कुमार। कुमार। कुम्हार। अच्छा अगर मैं कुछ और कहूं तो आपको यकीन होगा? थोड़ा सा सोचिए। मैं कहता हूं कि कुम्हार जो पत्नी है ना, कुम्हार की पत्नी वो घड़ा बनाती है, यकीन होगा किसी को? आपको पता है कुम्हार का जो वो 2 महीने का बच्चा है ना, कितने महीने का बच्चा? 2 महीने का बच्चा, कुम्हार के 2 महीने का बच्चा घड़ा बनाता है। अब बताए किसको यकीन हो रहा है? सब कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, हमने तो अभी पढ़ा कि घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि, इसमें कहीं पे भी 2 महीने के बच्चे का नाम नहीं आया, यहाँ पे कहीं पे पत्नी का नाम नहीं आया। कौन बता सकता है इसका उत्तर, चतुर व्यक्ति? भैया वो भी निमित्त है, क्योंकि वो अपनी आजीविका अपनी पत्नी बच्चे के लिए जो कर रहा है, निमित्त कारण तो वो भी बनेगी, उनका पेट भरने के लिए वो कर रहा है सब कुछ। चलिए ये भी बहुत बढ़िया उत्तर है। और कोई उत्तर देना, और कोई बहुत बढ़िया उत्तर जो मेरे मन में आ रहा है। कोई अवधि ज्ञानी, मना पर ये ज्ञानी हो तो कोई मेरे मन की बात पता निकाल के बताए कि मेरे मन में क्या। सहायक निमित्त है। सहायक निमित्त है, हाँ निमित्त की बात तो हम कर ही रहे हैं, सहायक निमित्त भी है, लेकिन बहुत बढ़िया उत्तर है। थोड़ा सा आपका सबका उत्तर ठीक है, लेकिन जो मेरे मन में चल रहा है वो ये चल रहा है, वो 2 महीने का बच्चा है ना, वो 2 महीने का बच्चा घर में रोता नहीं है तो पिताजी उसके घड़ा बना पाते हैं। अगर वो बच्चा रो रहा होता तो क्या पिताजी घड़ा बना पाते? हमेशा बच्चे को खिलाने में लग जाते। अगर उसकी पत्नी, कुम्हार की पत्नी, कुम्हारन अगर उससे लड़ाई कर लेती, लड़ाई झगड़े कर लेती, तो क्या वो कुम्हार घड़ा बना पाता? मतलब कि पत्नी घर में लड़ाई झगड़े नहीं करती है तो कुम्हार घड़ा बना पाता है, मतलब निमित्त की दृष्टि से हम कहेंगे कि पत्नी ने घड़ा बनाया। चलिए एक और चीज कहता हूं, बादल ने घड़ा बनाया। बादल होते ना बादल, मेघ, बादलों ने घड़ा बनाया। कौन बता सकता है कि बादल घड़ा कैसे बनाते हैं? हमें तो लग रहा होगा कैसी नई नई बातें पता लग रही हैं। अगर बाहर जगत में जाके कहें कि बादल घड़ा बनाते हैं तो मूर्ख समझेंगे, सीधा पागल खाने आगरा, नहीं आगरा से तो शिफ्ट हो गया पागल खाना, वहां पे पागल खाने में फोन लगाएंगे, भैया ये हमारे यहाँ पागल हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि कुम्हार की पत्नी घड़ा बनाती है, ये कह रहे हैं कि बादल घड़ा बनाता है। लेकिन बताओ बादल घड़ा कैसे बना सकता है? मैंने वो जहां से पानी लेते हैं तालाब से, उसमें बादल से भरते हैं वो तालाब। अरे ये सिंपल सा कारण है कि बादल नहीं बरसते हैं इसीलिए वो घड़ा बना पाता है। अगर बादल गरज जाएंगे तो सारी मिट्टी खराब हो जाएगी, उसके घड़े सूखेंगे नहीं। तो वास्तव में एक निमित कारण ये भी है कि बादलों ने घड़ा बनाया, मतलब कि निमित का कोटा कितना बड़ा है, निमित का कोटा कितना बड़ा है, सबने घड़ा बनाया, मतलब जो जो उस घड़े को बनाने में सहायक बनते हैं सबको हम निमित कह देते हैं, निमित का कोटा इतना बड़ा। हमने कहा था ना टोडरमल जी की पंक्ति को याद किया था कि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, कितने कारण होते हैं, अनेक कारण। तो उपादान कारण तो एक हो गया, और जो इतने कह रहे हैं अनेक कारण, अनेक कारण निमित कारण में चले गए। अभी तक तो कुम्हार घड़ा बना रहा था, आज हमें नई चीज पता लगी कि कुम्हार की पत्नी भी घड़ा बनाती है, कुम्हार का 2 महीने का बच्चा भी घड़ा बनाता है, कुम्हार वो जो बादल ऊपर से जा रहे हैं वो भी घड़ा बनाते हैं। मतलब कि ये निमित को समझना कितना जरूरी है, निमित कितना उपयोगी है। अगर निमित की मैं थोड़ी सार्थकता की बात करूं कि निमित को जानना क्यों जरूरी है, एक हमारे मन में प्रश्न हो सकता है, जब सारे ही कार्य उपादान से होते हैं तो निमित को जान ही क्यों रहे हैं? अच्छा बताइए सम्यक दर्शन किसको होता है? सम्यक दर्शन जीव को होता है, किसकी योग्यता से होता है? अपनी योग्यता से होता है। तो देव शास्त्र गुरु उसमें क्या कर रहे हैं, शास्त्र उसमें क्या कर रहे हैं? शास्त्र तो निमित है, शास्त्रों के शास्त्रों से थोड़ी हुआ है, वो तो उस समय में मात्र उपस्थित थे, किया तो हमने है, सारा काम हमने किया, और हम कह दें कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हुआ, नहीं काम तो मैंने किया। तो हम कभी कभार सोचने लग जाते हैं कि निमित की आवश्यकता ही क्या है, निमित की बहुत बड़ी आवश्यकता है। निमित
कि इतनी बड़ी आवश्यकता है कि हम पदार्थ की खोज करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण क्या है, कारण तो अनेक हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं, कारण तो अनेक हो सकते हैं कि एक घड़ा बना। अब एक घड़े बनने के पीछे इतने सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना है वास्तविक कारण तक। कारण कैसे हो सकते हैं, डॉक्टर कारण हो सकता है, हैं, एक इंजीनियर कारण हो सकता है, एक सीए हो सकता है, एक बैंकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है घड़े को बनाने में। तो इतने सारे ऑप्शन है। अब इतने सारे ऑप्शन में से हमें एक को चूज करना है और हमने चूज किया कुम्हार को। मतलब अगर हमें घड़े की उत्पत्ति का कारण ढूंढना होता तो हम पूरे जगत में घूमते। क्या भैया आपने घड़ा बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया, सब मना करते रहते। अब निमित्त से हमें ये बात पता लग गई कि हमें पूरी दुनिया में घूमना नहीं पड़ेगा। अगर हमें घड़े लेने जाना है तो सीधा हम कुम्हार के पास जाएंगे। अभी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसमें निमित्त कौन है, देवशास्त्र गुरु। और कौन से देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त है। मतलब कि जगत के अन्य देवी देवताओं से हमारी दृष्टि हटकर एक पे केंद्रित हो गए, देवशास्त्र गुरु पे। अगर हमें पता नहीं होता कि सम्यक दर्शन किस पे होता, अभी हम अलग अलग अपने मंदिरों में अपना नारियल फोड़ रहे होते। कभी इस मंदिर में जाते, कभी उस मंदिर में जाते, उस मंदिर में जाते, कभी इधर जाते, कभी धागा बांधते, कभी चादर चढ़ाते, कभी कुछ करते, मतलब सारे काम करते। लेकिन अगर हमें वास्तविक कारण पता हो, हमें निमित्त कारण पता हो, वास्तविक निमित्त कारण, तो अब हमारी जो जगत में इतने की खोज है वो इतने की खोज सिमट के इतनी हो गई। अब हमें पता लग गया कि देश रात गुरु के माध्यम से ही सम्यक दर्शन होता है। अब हम कभी भी किसी माता के पास नहीं जाएंगे, किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं जाएंगे। अब हमेशा कब जाएंगे, अब हमेशा देव शास्त्र गुरु की शरण में ही जाएंगे। अब हमारी दृष्टि सबसे अलग हो चुकी, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब एक पे केंद्रित हो गए। मतलब कि निमित्त हमें अनंत पदार्थों से हटा के किसी एक पदार्थ पे केंद्रित कर देता है। उपादान तो हमें पता है कि उपादानगत योग्यता अपने में ही है तो हमें ही होगा, लेकिन निमित्त की खोज भी तो करनी है। कैसे हुआ सम्यक दर्शन, कैसे हुआ, दो मुनिराज आए थे तो उनके कारण हो गया, दो मुनिराज आए थे इसलिए हो गया। अब क्या है, कारण तो बहुत सारे ढूंढने, लेकिन हमने बता दिया दो मुनिराज आए थे, अब हमें इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें हम बीमार पड़ गए तो किसके पास जाएं। आपके मन में एक बार विकल्प नहीं आता कि मैं एक बार उस इंजीनियर के पास चला जाऊं, शायद वो इलाज बता देगा, या चाहे जो मेरे पड़ोसी है ना, उस पड़ोसी के किराने की दुकान है, उस पड़ोसी के किराने की दुकान बहुत बढ़िया चलती है, चलो एक बार उससे अपनी बीमारी का इलाज पूछ के आते हैं। नहीं, उसके पास जाते, किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। किस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसका उसके पास इलाज हो। पैरों का दर्द हड्डियों का होगा तो ऑर्थो के पास जाएंगे, दिमाग का दर्द होगा तो दिमाग वाले के पास जाएंगे, ईएनटी का दर्द होगा तो ईएनटी वाले के पास जाएंगे। मतलब कि अभी अनेक से, अभी तक हमारी बॉडी में पेन हुआ, हम अनेकों में घूम रहे हैं, डॉक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन निमित्त, वास्तविक निमित्त ने हमारी खोज को सीमित कर दिया। कह दिया भैया अगर पैरों का दर्द है, मतलब पैरों से मतलब हड्डियों का दर्द है, तुम सीधा ऑर्थो के पास, ऑर्थो वाले के पास चले जाओ तो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। मतलब अनेकों के से दर दर पे भटकने से अच्छा हम एक के पास चले गए तो हमारा काम हो गया। इसलिए निमित्त की कितनी बड़ी आवश्यकता है। और बात करूं तो जितनी भी हमारा जिनागम है, जिनागम में चार अनियोग हैं, शास्त्र चार प्रकार के, कथन पद्धति, प्रथमा नियोग, चरणा नियोग, करणा नियोग, द्रव्या नियोग, इनमें से तीन अनियोग तो निमित्त की भाषा में लिखे गए हैं। तीन अनियोग, प्रथमा नियोग, पूरा प्रथमा नियोग निमित्त की भाषा में लिखा गया कि राम जी ने यहां से वहां गए, वो सीता जी के साथ गए, लक्ष्मण भी उनके साथ गए, सब उनके साथ ये होता गया। मतलब पूरी निमित्त प्रधान शैली चल रही है, सब कुछ निमित्त से काम हो रहा है। लेकिन वास्तव में खोज क्या है, कारण क्या है, कारण तो एक ही है, निमित्त पता लग जाएगा। चरणा नियोग देख लें, पूरा चरणा नियोग निमित्त पे आधारित है कि निमित्त से काम हुआ, निमित्त से काम हुआ। आप व्रत कर लीजिए, आपको फल लग जाएगा बहुत सारा। आप 10 दिन का उपवास कीजिए, आपको ये हो जाएगा। आप पानी छान के पीजिए, आपको पुण्य लगेगा। सब निमित्त के प्रधान कथन है। करना नियोग में चले जाएं, इस कर्म का उपशम होगा तो ऐसा हो जाएगा, इस कर्म का उदय होगा तो ऐसा हो जाएगा। हम जीते कैसे हैं, अपनी आयु कर्म से जीते हैं। कुंद कुंद आचार्य ने भी ग्रंथों में कह दिया, द्रव्य नियोग के ग्रंथों में, निज आयु शय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। मतलब कि आयु कर्म को निमित्त बता दिया, मतलब कि निमित्त की निमित्त तो कितनी जगह प्रयोग किया, हमारी सामान्य लोक भाषा में भी निमित्त का हम कितना प्रयोग करते हैं।
मतलब कि निमित्त हमारी बोल चाल की भाषा होती है और उपादान वस्तु स्वरूप होता है। पॉइंट क्या निकला, निमित्त हमारी बोल चाल की भाषा में होता है और उपादान वस्तु स्वरूप में होता है। बातें बहुत सारी हो गई, थोड़ा सा समय ज्यादा हो चुका है क्योंकि मुझे पहले अभी तक मैं 5 मिनट पहले क्या सोच रहा था कि हमारी क्लास 8:30 बजे से होती है तो अभी भी 10 मिनट तो अभी भी बचे हुए हैं, तो मैं नई नई बातें बता रहा था। अब उस समय की योग्यता है, मुझे ऐसा लगा कि 8:30 बजे क्लास होती है तो आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन आकुलता करने की बात नहीं है, बातें बहुत सारी है। निमित्त उपादान को आगे भी हम समझेंगे, अभी की बात को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो वे अभी पूछ सकते हैं जल्दी से। इसमें कुछ तो डायरेक्ट जैसे अब घड़े का एग्जांपल है तो कुम्हार दंड चक्र ये तो डायरेक्टली उसमें निमित है। अब इनडायरेक्ट कारण जैसे आपने बोला कुनार की कुमार की पत्नी बच्चे ये इनडायरेक्ट है, लेकिन जो उनको हम नहीं अगर इसको ऐसे कुछ अलग नहीं कर सकते जो डायरेक्ट निमित है और कुछ इनडायरेक्ट है ऐसा। हाँ जी कर सकते हैं बिल्कुल, इसी को अभी हम जब निमित्त के भेद पढ़ेंगे ना, निमित्त के अलग अलग प्रकार से हम दो दो भेद देखेंगे कि एक निमित्त होते हैं सद्भाव रूप निमित्त, एक अभाव रूप निमित्त, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त, इतने सारे निमित्त के भेद हो सकते हैं। तो इन सब बातों में हम ये समझेंगे कि कौन से सद्भाव है और कौन से अभाव रूप निमित्त है। चलिए अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं, कल की कक्षा में हम और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और सुबह की कक्षा जो हमें चलती है हमारे षट आवश्यक का विषय पूरा हुआ जैन श्राव का चार के अंतर्गत, कल हम श्रावक के अष्ट मूल गुण पे बात करेंगे कि श्रावक के अष्ट मूल गुण कौन से हैं, उस पे विचार करेंगे। अभी की बात को हम यहीं पे विराम देते हैं, सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।